वीडियोस देखे हैं जो वायरल हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे इमर्ज हुए हैं, विच आर वेरी डिसहार्टनिंग. आपका सोशल स्टैचर इज सो मच लव्ड बाय एवरीवन. और फिर एक तरफ हम देखते हैं कि कहाँ दिल्ली की स्ट्रीट्स पे आप इतनी बुरी तरह से आप हताश हैं, परेशान हैं. क्या हुआ एग्जैक्टली अर्चना? मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कराने का मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जो लोगों के जहन में जो अलग अलग सवाल चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, और मतलब ये सब चीज़ें जो सडनली मेरे साथ हो चुकी है उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ. तो क्या था कि मैं गई हुई थी आगरा अपने गार्नियर शूट के लिए, तो मैंने सोचा चलो दिल्ली भी रुकती हूँ. तो मैं दिल्ली रुकी तो सडनली मेरा ख्याल आया कि मैं एक साल से ना अपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं गई और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो महिलाओं का 33% बिल पास हुआ है आरक्षण का, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर दूंगी और जो अपना खरके जी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दूंगी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. तो मैं अपने बुके लेके गई हूँ, मेरे हाथ मेरे ड्राइवर के पास बुके था, मेरे पापा थे, मैं थी और एक और मतलब पापा के साथ कोई आए हुए थे, वो लोग थे. तो मैं जस्ट गेट पे पहुंची और तभी उन लोगों ने गेट लॉक कर दिया. मैंने बोला कि मुझे जाना है अंदर, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ. और ऑलरेडी मैंने ये कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने पार्टी के कुछ लोगों को दे रखी थी. तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची उन लोगों ने गेट बंद कर दिया और बोला आपकी एंट्री बंद है. तो मैंने कहा मेरी एंट्री क्यों बंद है, मुझे तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन करना था. तो कितने ऊपर से आदेश आया आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. तो मैं जस्ट फ़ोन करने लगी कि क्यों बंद है. सडनली वहाँ से कुछ औरतें यानी कांग्रेस कमेटी की औरतें आई हुई थी, मैं उनको जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारी औरतें आई. एक तरीका होता है, आप मुझे बोलो कि अर्चना जी आप नहीं अंदर जा सकती, अभी आपकी एंट्री मना है, मैं सीधा वहाँ से निकल जाती. मेरे साथ चढ़ने लग गई, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये सब चीज़ें होंगी. मतलब आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप खुद चढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रहे हो. और मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, मुझे रोड पे आप इधर से उधर कर दिया जाता है. और मुझे पता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जो जनता थी वहाँ पे जो जा रहे थे, मैंने आपको पता है मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों से भीख मांगी कि प्लीज़ गाड़ी खोल दीजिए, मुझे एक बार मुझे बैठ मेरी जान बचा लीजिए, मेरे पापा की जान बचा दीजिए. वो लोग चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे. और आप जैसे कि वीडियो में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये वीडियो तो सच में कुछ भी नहीं है. जो हमारे साथ जो रियलिटी में हुआ है ना वो अलग है. एक होटल में मैं जा रही थी जस्ट सामने, वहाँ पे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी ने गाड़ी नहीं खोली. मैं किस तरह से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया गया. तो मतलब मुझे एक तरह से लगता है कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा. और मुझे ये भी पता है कि इस चीज़ के पीछे कौन है, कौन क्यों कर रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता. तो मुझे कभी कभी ना होता है कि ये मतलब मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको लात मारी गई सरे आम, मतलब आप सोच रहे हो रोड पे मेरे बाल नोचे गए, मुझे धक्का मारा गया, मतलब पता नहीं. और ऊपर से एक बंदा मेरे कान में आके कहता है आप यहाँ से निकल जाइए वरना और भी पब्लिक आ रही है और पब्लिक में कुछ भी हो सकता है. मतलब क्या आप पब्लिक में मुझे मार देंगे और फिर कोई केस ही नहीं होगा क्योंकि पब्लिक ने मारा है. क्या है ये सब जो मुझे समझ में नहीं आता. लेकिन क्या अर्चना आपने इस सब के बाद कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, जब इतना सब हो गया है और पब्लिक भी इस चीज़ से डरा है और ये वीडियोस भी वायरल हो चुकी है, जी आपने क्या एक्शन लिया? मैं तुलकल रोड पे मैं गई थी, तुगलक रोड पे मैं गई थी और वहाँ पे मैंने कंप्लेंट कराने की भी कोशिश की, बट उन्होंने बोला मुझे कि अगर आप FIR करते हो तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा 3 दिन, मतलब जो भी आते रहना पड़ेगा. तो मुझे नहीं लगा कि मैं सेफ हूँ दिल्ली में, तो मैंने कोई कंप्लेन नहीं की. मैंने जस्ट एक ताहिर दी है जस्ट रैंडमली कि कल को मेरे साथ कुछ होता है अनहोनी तो इसके पीछे संदीप का हाथ होगा, क्योंकि मुझे 110% यकीन है कि ये जो भी कुछ किया है संदीप सिंह ने किया. एक्चुअली संदीप सिंह का पूरा नाम है ठाकुर संदीप सिंह, तो उसको मेरे से प्रॉब्लम है हमेशा से, बट उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली उसको मेरी कास्ट से प्रॉब्लम है, उसको मेरी जाति से, मेरे समाज से प्रॉब्लम है. तो इस वजह से वो स्टार्टिंग से लेके अब तक
मेरे साथ ये सब चीज़ें करता आया है। रायपुर में भी उसने बदतमीजी अभद्रता का प्रयोग किया है मेरे साथ, बट फिर भी कोई सबूत नहीं था क्योंकि उसने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार उसकी थी, तो इस वजह से तो हमको कुछ मिला नहीं। बट अभी तो सरे आम रोड पे ये सब चीज़ें हो रही थी और किसी ने मदद नहीं की। मतलब वहाँ पे मीडिया थी, लोग थे, उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि मतलब एक लड़की को आप ऐसा मार रहे हो, उसके पापा को ऐसे मार रहे हो। मतलब एक होती है इंसानियत। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा ड्राइवर था, भैया थे, उसका सर फोड़ दिया गया, उसके सर से ब्लड निकल रहा है, इतना मारा गया। एक इंसानियत तो होती है, आप मेरे लोगों को मार रहे हो। मैं आपको पता, मैं कोई भी बाउंसर्स वगैरह लेके नहीं गई, क्योंकि मेरी तो खुद की पार्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जैसे लोग ही पार्टी को ख़राब करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अपना एक खड़गे जी, ये लोग मेहनत करते हैं, और भी वरिष्ठ नेता मेहनत करते हैं, बट ये लोग उनकी मेहनत को पानी में फेर देते हैं। आप देखो मेरे ड्राइवर का क्या हाल हुआ है। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा फोटो दिखाना चाहूँगी। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मुझे अपनी जान बचानी है। ये आप देख रहे हैं, ये उसका सर फूटा गया है ऑन रोड, और ये सब चीज़ें कैमरे में कैप्चर हुई है। तो आप इस हद तक जाओगे, इतना जानलेवा हमला कराओगे, कल को मेरे चेहरे पे एसिड भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा करियर जा रहा है ऊपर, मैं कर रही हूँ, आप मुझे मरवा सकते थे पब्लिक में, कौन जिम्मेदार होता। तो मुझे कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ये सब चीज़ें मेरे साथ कर रहा है वो इंसान, क्यों। अच्छा ना, इससे पहले भी जब आपके साथ फरवरी में जो इंसिडेंट हुआ था संदीप को लेकर, जी आपको प्रियंका गांधी से वो मिलने नहीं दिए थे, और उस वक्त भी आपने एफआईआर फाइल करने की कोशिश की थी कास्टिज्म के एज पर, लेकिन वो हुआ था राइट आपके एफआईआर, पूरी एक्चुअली वो एफआईआर मेरे पापा ने की थी, क्योंकि सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं केप टाउन में अपना शो के लिए गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उस डेट पे जा सकूं। तो वो मेरे पापा ने की थी, क्योंकि मैं ना इन सब चीज़ों से ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। मैं मतलब एक सिंपल सी लड़की हूँ, और ठीक है अपना करियर बना रही हूँ, भगवान की दुआ से मेरा करियर अच्छा चल रहा है, बट वो मेरे पापा ने किया। और उस चीज़ पर भी इसने क्या किया, संदीप सिंह ने जो यूपी में केस था उसको ट्रांसफ़र करवा के छत्तीसगढ़ कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ में मैं नहीं जा सकती ना, मैं अपने पापा को भेज सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सेफ़ नहीं है। बात ये नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये संदीप सिंह बीच में है। क्योंकि आज तक मैं खुद बोलना चाहती हूँ कि जो ये कांग्रेस पार्टी है इसमें मेहनती लोग बहुत हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी रही नहीं है, ये संदीप सिंह की पार्टी बन चुकी है, क्योंकि हर लोग उससे जुड़े हुए हैं और उसी के इशारों पे काम किया जाता है। तो ये गलत है, और इससे इतने लोग खफा हैं, इतने लोग प्रॉब्लम है। मैं बस एक निवेदन यही करना चाहती हूँ प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उनसे मैं ये करना चाहती हूँ कि एक बार, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, मैंने देखा राहुल गांधी जी की मेहनत, वो कितना मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हो बट ऐसे लोग आपको नीचे गिरा देते हैं, आपकी पार्टी को नीचे गिरा देते हैं। आपको पता है ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं वहाँ पे बोल रही थी कि प्लीज़ मत करो, हमारी पार्टी की बदनामी होगी, लोग आप मेरे पे सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि लोगों ने सामने साफ साफ चीज़ें देखी हैं कि भाई ये उसके साथ गलत हुआ है, लोग मेरी पार्टी पे आवाज़ उठाएंगे। तो ये सब चीज़ें गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कमेटी बैठा के इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको, और सोनिया गांधी जी को। सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है, आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। जबकि मैं, आपको पता, मेरा देश में नाम है, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, देश में इतने लोग मुझे जानते हैं, मेरे जैसी लड़की का साथ ये हुआ है कि मैं रोड पे इधर उधर भीख मांग रही हूँ अपनी जान बचाने के लिए। मेरे पापा को धक्का मारा गया, उनके पेट पे लात मारा गया, तब भी किसी ने मदद नहीं की। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल लड़की सेफ नहीं है। अर्चना जी, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर इस तरह की घटना हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी थी जो शिवसेना में है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं होती, आपको नहीं लगता है? देखो कांग्रेस पार्टी के अगर विफल है कि जो टॉप
लीडरशिप है, राहुल गांधी है, पूरी तरह से फेल हो गए हैं कहीं ना कहीं? नहीं, राहुल गांधी जी कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक मेहनती इंसान है और वो अपनी मेहनत दिखाते हैं। और रही बात, जैसे मैंने बताया, संदीप जैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उनकी बैकबोन बन के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही सबको ख़राब कर रहे हैं, पूरी पार्टी को जो ख़राब कर रहा है वो ही ख़राब कर रहा है। और जो मेरी दुश्मनी हुई है, मैं बताती हूँ संदीप सिंह के साथ मेरी जो दुश्मनी है जो चल रही है वो कहाँ से शुरू हुई। एक बार प्रियंका गांधी जी मेरे इलेक्शन में आई थी और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी दीदी के साथ में। वो मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं, हाँ मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी का बाल भी बाका हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, ये संदीप सिंह जैसे लोग जो बैठे हुए हैं पार्टी में, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनका सच पता किया जाए कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किससे मिले हुए हैं, क्योंकि यही लोग पार्टी में ख़राब कर रहे हैं। तो मैं कहती कि जब दीदी गाड़ी में बैठी थी तो दीदी ने मुझे एक बात बोली थी, दीदी ने एक बात बोली थी कि अर्चना यू आर वेरी स्ट्रांग और तुमको ना मायावती जैसी दबंग नेता बनना है, ठीक है, ये बोलते हैं दीदी के। और मैंने कहा हाँ दीदी, आपका सर पे हाथ रहेगा तो मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूँगी। इस बात पे इसको ये लगा कि भाई अब दीदी इसके क्लोज हो गई है, और मतलब ये नहीं चाहता कि मैं एक दलित परिवार से आती हूँ, ये नहीं चाहता कि कोई दलित परिवार का कोई लड़की या कोई लड़का या दलित परिवार का कोई बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे समाज से स्टार्टिंग से ही चिढ़ता आया है। आप यूपी उठा के देख लीजिए, कहीं भी हमारे समाज का ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ तक कि कोई प्रदेश अध्यक्ष भी थे अपने बृजलाल खाबरी जी, उन्होंने इनको तक सस्पेंड करा दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कितनी दुश्मनी है, बट ये भूल गया जब बाबा साहब अंबेडकर थे तब हम लोगों ने पानी तक की लड़ाई की थी, और आज तो फिर भी बहुत दुनिया आगे जा चुकी है। सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं छुपता, जनता से कुछ भी नहीं छुपता, सबको सब कुछ सच्चाई पता है। आपने किसी हाँ बनकर आए हैं जी, तभी उसे आपने ये चीज का एक्शन क्यों नहीं लिया और ये चीज का कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करती हो? मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। जो मेरी पहली वाली जो FIR है, मेरे जो पापा ने करवाई है, वो इसी चीज़ पे है, क्योंकि उसने मुझे दो कौड़ी की बोला था और नीच जात की बोला था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पर कंप्लेंट कराई है। बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे, क्योंकि सरकार सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग CCTV फुटेज नहीं दे रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी दलित परिवार को, दलित समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित समाज के लोग उन आगे बढ़ें, तरक्की करें। IAS वो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, IPS हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो भी हमारे समाज से बिलोंग करती है। तो फिर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ। तुम मुझ पे कितना भी हमला करा दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में बहुत भीड़ थी, जिन्होंने हमला किया, तो आपको क्या लगता है कि पूरी जो भीड़ थी उसमें सब ऊंची जात के ही लोग थे या कोई दलित वर्ग के भी थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? अगर दलित वर्ग के थे और हमला किया तो उन्होंने क्यों हमला किया? पहली बात तो जितनी भी औरतें थी उनको मैं बाय नाम से जानती हूँ, मैं किसी कास्ट पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। बस मुझे इतना पता, उनमें से कोई भी मेरे समाज की लड़की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे समाज की औरत होती तो शायद वो मुझे इस तरह नहीं देखती। और मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ पे धरना दिया जाता है बेटियों के आरक्षण के लिए, सब चीज़ों के लिए, यही औरतें जो कांग्रेस में जो ये औरतें हैं ना, ये जो महिला अध्यक्ष की जो ये लड़कियाँ थी जो संदीप के कहने पे धरना देती है, प्रोटेस्ट करती है, क्या इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई है कि आप तो एक तरफ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का धरना दे रही हो और एक तरफ आप मुझे बोल रही हो, दीदी का नाम मिट्टी में मिला रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम दीदी का तो लिहाज करते, प्रियंका दीदी का तो लिहाज करते। उन्होंने मतलब अपना एक, क्योंकि ये जो दोहा था, जो क्या बोलते हैं इसको, स्लोगन जो है,
ये उनका ही दिया हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस पर मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं आज तक लड़ते आई हूँ। और मुझे लगता है कि हर लड़की को दबंग होना चाहिए, बट जो ये औरतें थी जिन्होंने ये सब चीज़ें की है और वार्तालाप पे मौजूद रही है, ये इन्होंने ये सब चीज़ें की है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का नाम मिट्टी में मिला रही है। क्या आपको लगता है वीडियो भी वायरल हो गया, दीदी तक ये नहीं पहुंचा होगा? और अगर पहुंचा होगा तो उन्होंने फिर क्यों एक्शन नहीं लिया, आपसे बात क्यों नहीं की, मामले की जानकारी क्यों नहीं? देखो मैम, इसके अलावा और भी जो भी कांग्रेस के बड़े नेता देखा जाए तो फिर जो भी बड़े ऑर्डर बैठे हैं किसी का भी रिएक्शन नहीं आया अब तक जी। मुझे देखो पहली बात तो मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, और दूसरी चीज़ मैं धोखेबाज लड़की हूँ नहीं। आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ ही मैं रहूँगी हमेशा। फिर चाहे अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है तो फिर वो अलग बात है कि ठीक है मैं निकल गई, बट मेरे रगों में ये गद्दार खून नहीं है। मैं पार्टी में आई हूँ दीदी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ राहुल गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं संदीप जैसो को मेरे नज़रों में उन लोगों की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ करूँगी, और मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। विषय पे बात की, क्योंकि ये विषय पे वो काफी गंभीरता से लेते हैं और वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अभी मैं सच बताऊं मैं कल ही आई हूँ अपनी जान बचा के, क्योंकि मैं दिल्ली में सेफ नहीं थी। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो ये लोग मेरे पीछा भी कर रहे थे, काफ़ी दूर तक पीछा किया गया है, और बस मुझे पता है मेरी जान कैसे बची है। मेरा मुद्दा ये था कि मुझे मुंबई आना था, इसलिए मैंने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेफ नहीं हूँ। अभी मैं कल आई हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ लोगों, मतलब जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे चीज़ें देखूंगी, मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी, राहुल गांधी जी से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे तो ही चीज़ें समझ पाएंगे, वरना लोग तो भड़काने वाले बहुत हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका दीदी आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ पर आप सीरियसली लें, क्योंकि सच में कह रही हूँ ये लोग अपनी पार्टी को नीचे गिरा रहे हैं। जो नंबर दीदी ने मुझे दिया था वो नंबर चेंज हो चुका है, और वही नंबर अब संदीप सिंह के पास है, तो मेरा अभी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है उनसे डायरेक्ट बात करने की, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने ना, मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बता के करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं सडनली चली गई और मैंने कि ठीक है गेट खोला मैं सडनली चली गई। मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रही हूँ और मेरे पापा मेरे साथ आ रहे हैं, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने कार्यालय में नहीं गई, तो एक तरह से लोगों के मन में ये है कि मैंने पार्टी छोड़ दी है या मैंने राजनीति छोड़ दी है, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने छोड़ी नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ चुका था, तो मैं केपटाउन में बिजी थी। और रही बात कर दो, हाँ, तो मैं बस उनको यही बताना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं केप टाउन में थी। अर्चना, कांग्रेस को ऑलवेज चाहिए कि यू नो लड़की अपने लिए खड़ी हो और लड़कियों के एम्पावरमेंट को लेकर बोलते हैं, अगर उनकी खुद की पार्टी के लीडर या आप यू नो उनकी पार्टी के ही लड़कियाँ अगर सेफ नहीं है तो वो दूसरों को कैसे बचाएंगे? और आप भी आज अगर सब कुछ होने के बाद आज आप भी उन्हीं के फेवर में ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी से कुछ भी यू नो प्रॉब्लम नहीं है, ना राहुल गांधी ना प्रियंका से, और इनफैक्ट अभी देखा भी जरा आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया है, तो वो दूसरों को दूसरी महिलाओं के लिए कैसे सपोर्ट में? और इवन मैम, अगर यही इंसिडेंट बीजेपी महिला के साथ में होता तो कांग्रेस का अब तक काफी ट्वीट्स आ गए होते, प्रियंका गांधी सामने खड़ी हो गई होती उसके साथ में, किस तरह से क्यों किया बीजेपी ने, लेकिन आपके साथ अब तक क्यों नहीं? मुझे उम्मीद है कि मुझे कॉल आएगा और दीदी मुझे बुलाएंगी,
और राहुल जी भी मुझे बुलाएंगे और मैं बात करूंगी उन लोगों तक। मुझे लगता है कि अभी तक बात ये पहुंची नहीं है क्योंकि कल का इंसिडेंट है और वो लोग भी अभी थोड़ा सा इवेंट्स में बिजी हैं, उनकी सभा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें पता चलेंगी उनको तो वो इस चीज़ पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे मुझे नहीं लगता, नहीं नहीं सच में नहीं वो लोग मुझे मुझे जो लगता है जहाँ तक लगा है अभी तक उन तक ये बात नहीं पहुँची है, बट जब तक की बात उन तक नहीं पहुँचेगी तब तक के वो मुझसे मुझे लगता है कि कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ आई होप कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आपके माध्यम से मीडिया, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद उनको पता नहीं होगा रियलिटी की क्या हुआ हुआ है। तो रियलिटी यही हुआ है कि संदीप के लोगों ने मेरे पे जानलेवा हमला करवाया गया, उसके इशारों पे ही महिला वो आई थी और उन्होंने मेरी जो दुर्गति की थी वो आप लोगों ने सबने देखी है। अर्चना जी मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में यू आर नॉट फीलिंग सेफ, तो आप यूपी में ये जाकर क्या आप अपना एफआईआर दर्ज कराएंगे और योगी जी से आप मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी जो पीड़ा है वो आप बताएंगे? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं कांग्रेस की हूँ, थी और हमेशा कांग्रेस की ही रहूंगी। जब तक दीदी खुद से मुझे नहीं निकालेंगी तब तक मैं पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो ये मेरा मुद्दा है, क्योंकि मैं उनसे दिल से जुड़ी हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पार्टी पे कोई भी आँच आए। और जो लोग बैठे हुए हैं पार्टी को खाने वाले और पार्टी को तकलीफ पहुँचाने वाले, मैं उनका सारा चिट्ठा राहुल गांधी जी तक पहुँचा के रहूँगी किसी भी कीमत पर। तो मुझे मेरा मुद्दा ये है कि उनके पार्टी में जो लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी की निंदा करने वाले और कराने वाले हैं उनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि उनकी मेहनत सारी पानी में फिर रही है संदीप जैसे लोगों जो है। अगर ये बात उनको पता चलती है भी, अगर वो कोई एक्शन नहीं ले, देखिए के हाँ, और उन्हें अगर ये बात पता चल जाती है कि आपके साथ ऐसा हुआ हाँ, फिर भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? अभी सोचा नहीं है, मैं सोच के बताऊंगी, अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, बस एक उम्मीद है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पक्का मतलब इस चीज पे जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, एक उम्मीद है। 110% नहीं नहीं 110% मुझे 110% मुझे यकीन है, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं कल आ रही हूँ वो संदीप जी के ही किसी खास को दी थी, तो उन्होंने ही उनको बताया है और ये प्लानिंग हुई है, क्योंकि जो वो औरतें आप देख रहे हो वीडियो में वो लखनऊ से स्पेशल आई थी इसी चीज़ के लिए। अर्चना जी मेरा सवाल आप जैसे कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन दिल्ली, तो आप यूपी में जाकर कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराएगी और क्या आप मुख्यमंत्री से आप मिलना पसंद करेगी योगी जी से कि आपको इंसाफ मिले, क्योंकि आप कह रहे कि लखनऊ की महिला थी तो कहीं ना कहीं आपके षड्यंत्र हुआ है और आपके मारपीट हुई है, तो क्या आप यूपी में जाके एफआईआर कराएगी और योगी जी से आप मिलेगी? मैं देखो मैं एफआईआर को तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसाइड करेगा ना मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी सबके सामने चीज़ें आ चुकी है, तो आई विश कि ये मैटर लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ का सब लोगों को पता चले कि ये क्यों हुआ है। और रही बात एफआईआर की, क्योंकि अगर मैंने एफआईआर करवा दिया तो मतलब मुझे मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं है, मैं नहीं चाहती कि ये एफआईआर हो या ये हो, बट अगर मुझे लगेगा ज़रूरत लगेगी हाँ मुझे करनी है एफआईआर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पे जानलेवा हमला किया गया है और ये सब चीज़ें सबको दिख रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरी पार्टी की बदनामी होगी तो मैं इस चीज़ को रोकना चाहूँगी। जी ये सब आपके साथ एकदम खुले आम हुआ और आप कह रही हैं कि एफआईआर नहीं करवा देंगे, तो फिर नेक्स्ट आपके साथ यही हो तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने उसके लिए एक लेटर दे दिया है, दिल्ली में एक लेटर दे दिया है उसके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है तो सबको पता चलना चाहिए। और सच में मैं अपनी पार्टी की बदनामी नहीं चाहती हूँ, तो मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा एक्शन लेने वाली हूँ आगे, और आगे सोचा कांग्रेस पार्टी से ही थे जिन लोगों ने आपके ऊपर मतलब जो हमला किया, तो इसमें बदनामी की बात ही नहीं है, पूरे देश को पता चल गया है कि वो उसी पार्टी से थे, तो आप अभी भी बदनामी की सोच रही है, अपनी जान की नहीं सोच रही?
सोच रही हूँ आप अपने से आगे पार्टी को रख नहीं देखो पहले तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपनी जान का परवाह हर किसी को होता है मुझे भी होता है बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सच में मुझे बहुत कुछ दिया है प्रियंका दीदी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया राहुल गांधी ने भी दिया है तो मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती और बस यही है और रही बात FIR की संदीप पे FIR करूंगी वो तो मैं करूंगी हाँ देखो मैंने पहले भी बोला था कि पॉलिटिक्स भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और एक्टिंग करियर भी इम्पोर्टेंट है दोनों को ही मैं मैनेज करूँगी बट हाँ ये है कि कुछ टाइम में मैं पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व हो पा रही थी क्योंकि मैं यहीं पे इतनी बिजी थी बट अपने समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है और उसी के लिए मैं आई हूँ तो वो तो मैं करूँगी वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और इंडस्ट्री से मुझको पैसा मिलता है नाम मिलता है फेम मिलता है तो वो भी मैं करूँगी तो ऑफकोर्स जैसे एक औरत घर संभाल सकती है जॉब कर सकती है तो मेरे लिए भी दोनों इक्वल ही रहेंगे दोनों को मैं कभी नहीं छोड़ सकती विशाल आपका लास्ट क्वेश्चन जाते जाते अपने फैंस और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिकॉज ऑफ आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं क्योंकि कुछ वीडियो डली थी बट संदीप सिंह ने वो वीडियो डिलीट करवा दी गई है पैसे देके और मतलब लाइक फ़ोन करके बट मेरे फैंस लोगों ने उसको इतना स्प्रेड कर दिया इतना फैला दिया कि वो चीज़ें अभी आगे बढ़ रही हैं तो थैंक यू सो मच माय ऑल फैंस जो भी मुझे पसंद करते हैं जो भी मुझे प्यार करते हैं थैंक यू सो मच आज आप मेरे साथ हो यानी आप मतलब हर महिला के साथ हो और हाँ मैं जनता को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो मैंने सच में देखी है अगर कोई लड़की आपके पास आती है मदद मांगने चाहे वो उज्जैन की 12 साल की लड़की क्यों ना हो जैसे आपने देखा होगा अभी कांड हुआ है एक उसमें वो लड़की भी मदद मांग रही थी मेरे जैसी मदद मांग रही थी बट मेरे साथ मेरे पापा थे तो उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया और खुद मार खाई और मतलब मुझे मतलब उन्होंने एक टच तक नहीं करने दिया तो मैं चाहती हूँ कि आप में से ही किसी ना किसी की बहन होगी आप में से ही किसी ना किसी की बेटी होगी तो प्लीज़ अगर कोई आपकी लाइफ में कोई मदद मांगने आ रहा है तो प्लीज़ उसकी मदद करें जनता ही होती है आगे बढ़ाने के लिए तो प्लीज़ ये ना सोचे कि आपको कुछ होगा क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा थे तो मैं बच गई अगर किसी के साथ कोई नहीं है तो वो बच नहीं सकती तो प्लीज़ महिलाओं की मदद करें आंटी बस... आपसे जानना चाहेंगे आंटी जब अर्चना पे ये हमला हुआ और अंकल पे हमला हुआ था तो आपको जब पता चला तो यहाँ पर आपका क्या रिएक्शन था क्या हालत हुई थी मेरा कुछ ऐसे पता चला मैं तो घर में बहुत परेशान हो गई थी कि वो अभी मैं इतना जानती नहीं हूँ इसके बारे में राजनीति में मैं से मना करती हूँ मेरी अकेली बच्ची है तो जैसे हर माँ के बच्चा रहता ना तो बस मुझे इसी का डर रहता कहीं रात से 12 बजे से देर हो जाती फ़ोन करके पूछती हूँ थोड़ा देर में पूछती हूँ बस यही डर रहता है मेरे को तो अर्चना अभी मतलब आपका फादर का तबीयत कैसी है मेरे पापा को थोड़ी चोट आई है ज़्यादा नहीं बट मेरे ड्राइवर का सर फूटा गया है उसका पट्टी वगैरह कराई है ठीक है सारे ठीक है मैं भी ठीक हूँ बट मुझे सच में मुझे खतरा है क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है अभी वो संदीप सिंह जो है और भी बहुत कुछ कर सकता है मेरे साथ तो कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ट्रस्ट मी इसके पीछे संदीप सिंह का ही हाथ होगा थैंक यू काम किया था ये अपने